हेलो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आप एडिटोरिया के द्वारा जो करंट अफेयर्स वार्षिकांक दो हज़ार आया है उसका आज आप क्लास सेकंड देख रहे हो आज के इस क्लास में अभी आपको दो सेट यानी कि 100 क्वेश्चन देखना है इससे पहले एक और क्लास अपलोड किया जा चुका है एडिटोरिया वार्षिकांक दो हजार बाईस अफेयर्स का अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बताना है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है कितना किलोमीटर एरिया में है यह आपको मतलब बताना है तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चार हजार नौ सौ बिरानवे वर्ग किलोमीटर ठीक है ध्यान रखेंगे भारतीय भारत का जो वन स्थिति रिपोर्ट दो हज़ार इक्कीस है उसके अनुसार आपको बताया गया है कि कुल मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो चार हजार नौ सौ बिरानवे वर्ग किलोमीटर है और बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में आपको ये बताया जा चुका है कि सबसे ज़्यादा अगर पूछे कौन से राज्य में है तो बंगाल में है पश्चिम बंगाल आप ध्यान रखेंगे आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था कितना परसेंट का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर अट्ठाईस का आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इजराइल से खरीदा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा शाह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा साहिंति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है तो देखिए मध्य प्रदेश के द्वारा आकांक्षा योजना शुरुआत आकांक्षा योजना की शुरुआत की गई है अनुसूचित जनजाति के जो काफ़ी तेज बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन यहाँ पर सुमेलित है तो देखिए यहाँ पर सभी सुमेलित है तो आप एक बार देख लीजिए डॉक्टर ए प्रकाश डेमोक्रॉस डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स आयाज मेनन के द्वारा इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 गौतम चिंतामणि के द्वारा द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म ये अभी आप जो देखें ये सारे पुस्तक और उनके लिखने वाले के साथ नाम सही मैच किया है तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बताइए हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था के द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आईएमएफ में देखिएगा पहला उप प्रबंध निदेशक के रूप में गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है बताइए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए एस ए एस डबल ई एम एसिम पोर्टल लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा एसिम पोर्टल लॉन्च किया गया है बताइए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है बताना है देखिए एड्स दिवस दो का जो है एंड इक्वलिटीज और एंड एड्स मानवाधिकार दिवस दो का जो थीम था आपका इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस दो हज़ार इक्कीस में सब्सटेनेबल माउंटेन टूरिज्म यह आपका बिल्कुल सही था तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे सभी सारे सही मैच किए हुए हैं हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर उत्तर प्रदेश के द्वारा बताइए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अद्भुत योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अटल वयो अद्भुत योजना की शुरुआत की गई है बताइए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपिटो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा डी के द्वारा किया गया था बताना है निम्नलिखित में से किस संस्था किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण जिसका के नाम है भू परीक्षण विकसित किया है नाम वो बताइए किसने किया है ऑप्शन तो नंबर बी हो जाएगा आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोभ अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है या किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नाशा के द्वारा बताना है कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेस की आधारशिला रखी है उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ था तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर फिलीपींस में ये टाइफून जो था आया था किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडिटेक का उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर लखनऊ में बताना है कि महिलाओं और बच्चों महिलाओं बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर गोवा सरकार ने महिलाओं बच्चों पर्यटकों के खिलाफ जो अपराध होता है उसको रोकने के लिए पिंक फोर्स का गठन किया है हाल ही में शुरू की गई योजना आई एम शक्ति उड़ान योजना जो है किस राज्य से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आई आई आए, एम शक्ति उड़ान योजना राजस्थान के द्वारा किया गया है हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा किया गया है वर्णाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत भारतीय मूर्ख किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए हो जाएगा नरेंद्र जोड़ी कोलापोन नाम आप ध्यान रखेंगे पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा किया गया है पौष पौस्ट ये पौष्टिक मतलब आहार पशु को मिल सके उसके लिए पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घसी कल्याण योजना नाम आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेंजेट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर पर्ल अग्रवाल के द्वारा पर्ल अग्रवाल के द्वारा ये जीता गया है सभी बेरोजगार शिक्षक शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है बताना है ऑप्शन तो नंबर सी हो जाएगा राजस्थान से संबंधित है आपका मुख्यमंत्री संबल युवा संबल योजना पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हरियाणा के हरियाणा सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया यह किस राज्य से संबंधित है केरल का ऑप्शन दिया नंबर बी हो जाएगा केरल का जो है ये नवारा चा, चावल है जिसे कि जी टैग प्रदान किया गया है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर दिल्ली से संबंधित है यह नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केदारनाथ में यह किया गया था देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्वरण किया गया है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर यूके में बताना है श्रमिकों को सरकारी योजना के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा यह किया गया है श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की गई है ठीक ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हो यह आपका राइट हो जाएगा बताना है कि भद्राचलम को आई के कि जो रामायण सर की ट्रेन में से एक गंतव्य रूप में से उसे जोड़ा गया है यह किस राज्य में है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर तेलंगाना में ध्यान रखेंगे ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा ध्यान रखेंगे भारत का पहला जो ये ड्रोन तकनीक के आधार पर पहला अनुसंधान ऐसा केंद्र, केंद्र है जिसने की ये भारत का पहला अनुसंधान केंद्र को लॉन्च किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है कहाँ पर ऑप्शन तो नंबर बी हो जाएगा इंस्टाग्राम पर निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर सऊदी अरब के द्वारा किया गया है किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2021 में भाग लिया था ऑप्शन नंबर सी आई एन एस ने भाग लिया था भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच जो ये अंडमान में आपका भारतीय नौसैनिक का जो समुद्री अभ्यास हुआ था उसमें आई एन एस ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है उसे लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर तमिलनाडु में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गंगुली आईसीसी के क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में बने हैं भारतीय रेलवे ने पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया जो कि किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है यह आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बताइए सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है तो ये बताइए किस बैंक के द्वारा किया गया है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एच बैंक के द्वारा बताना है कि इक्कीसवीं हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में ध्यान रखेंगे इक्कीसवीं हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा तिरिपुर, त्रिपुरा के द्वारा किया गया है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है नंबर फोर्टी फोर आपको बताना है कि हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है देखिए रिजॉल्ट यूनाइटेड नेशन इन ए एडवांस वर्ल्ड ये बानकी मून कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी के द्वारा बैचलर डेड यह जो आपका है तुषार कपूर के द्वारा ऑप्शन तो नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे सभी पुस्तक और उनके लेखक के बारे में सही दिया हुआ है जिस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है किस कार्यक्रम के तहत तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर सी एस आई आर जिज्ञासा कार्यक्रम के थ्रू किया गया है ध्यान रखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो है ये जितेंद्र सिंह है नाम ध्यान रखेंगे उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है राज्य का नाम बताना है तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर गुजरात दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर राजस्थान के द्वारा हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के टॉप राज्य में रखा गया है किस राज्य सरकार ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे तमिलनाडु के द्वारा ये आपका थाई बजथु को अपना राजकीय घोषित किया जा चुका है आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होसल मंदिरों को वर्ष 2022 23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है यह किस राज्य में स्थित है यह आपको बताना है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए है कर्नाटक मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के, के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर पंजाब आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में तेईस सौ साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में यहाँ पे कौन सा सुमेरित है ये बताइए देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सभी सही मैच किया हुआ देखिए जी ए वी रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं आदित्य अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसिडर और मनिका बत्रा जो है एडिडास के ब्रांड एम्बेसिडर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी सही मैच किए हुए हैं यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली ने निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला ओ माफ़ कीजिएगा ओ साइट घोषित किया गया है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है त्रिपुरा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बताना है कि हाल ही में धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है यह किस राज्य में है धाम बताना है आपको कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए हो जाएगा राइट आंसर सीतामढ़ी बिहार में है शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया उनका समन किस खेल से है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अल्पाइन स्कीइंग से है आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक कितने बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया है ऑप्शन माफ कीजिएगा देखिए पूछा है ना कहाँ पर आयोजन किया गया है जगह बताना है तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा लखनऊ में अभी तक सबसे बड़ा ड्रोन शो किया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइस राइट आंसर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है बताना है कि दिसंबर दो में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तसे न्यू न्यूलैंड और चुमुकेदिमा तीन नए जिले बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में ये तीन जिले बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के द्वारा राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया था बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में किया गया था हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड का है ध्यान रखेंगे कोन्याग जनजाति नंबर सिक्सटीन है किस संस्था ने सी आई एस एल और डब्ल्यू आर आई इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिंग अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिंग अर्बन मोबिलिटी इनोवेशन ये जो आपका इनिशियेटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना है पहला यूरोपीय देश है ये आप ध्यान देंगे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा माल्टा ने ऐसा किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की नौवीं बैठक की मेजबानी की है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भूटान में मेजबानी किया गया है बैठक का नौवीं बैठक का जो कि काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम सब्जेक्ट उसका रहा था हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नाम है नितिन गडकरी नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न कोरिफेयर एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की जो लगभग छियासी मिलियन वर्ष पुराना है ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर चीन में नंबर ट्वेंटी थर्ड है केंद्रीय बजट 2022 हजार बाईस तेईस के अनुसार अगले तीन वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी को वंदे भारत रेल गाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा यह क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में भी आपको करवाया जा चुका है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर चार सौ हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें और जो उनके लेखक हैं इसके साथ कौन सा मैच किया हुआ यह बताना है तो ये आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि द मूंक हु ट्रांसफर्ड यूपी शांतनु गुप्ता इंडियाज एंशियंट लेजेसी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी और अठारह सौ सत्तावन द स्वाड ऑफ मस्तान विनीत वाजपेयी के द्वारा यह लिखा गया है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नंबर ट्वेंटी फाइव है महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर वाइजर कार्यक्रम है नाम आप ध्यान रखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट दो के अनुसार भारत में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इक्कीस दशमलव सात एक परसेंट देखिए बत्तीस वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीप शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर आई, आई एन एस को सौंपा गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर प्रिजर्वेशन ध्यान रखेंगे राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा किस देश नहीं मतलब तो किस जगह पर तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष फोर पॉइंट जीरो का उद्देश्य किस वर्ग के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है तो ऑप्शन नंबर देखिए बच्चे और गर्भवती महिलाएं इन दोनों के लिए चालू किया गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष फोर के तहत इन दोनों को लाभ पहुँचाया जाएगा हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को अठारहवां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार दिया गया ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर नितिन गडकरी को फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर अफगानिस्तान के साथ केंद्रीय बजट दो हजार में की गई घोषणा के अनुसार तीन साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन की शुरू ट्रेन शुरू की जाएगी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा चार सौ देखिए बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दो हज़ार इक्कीस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा को हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी एफएम शुरू किया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंदौर में किया गया है भारत के हंड्रेड परसेंट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डाबर दावर जो है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गया है। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मनोज तिवारी को बताना है तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए डब्ल्यू एच ओ द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर बी क्विट टोबैको ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर दिल्ली के द्वारा किया गया है त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई दो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा ये जो त्रिशूल और गरुड़ रेलवे को चालू किया गया है डब्ल्यू ई एफ दावोस एजेंडा दो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पी थ्री मूवमेंट की शुरुआत की गई बताइए पी थ्री थ्री से क्या तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर प्रो प्लेनेट पीपल हो जाएगा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर महाराष्ट्र बताना है कि कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकास विकसित करने माफ कीजिए देखिए कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर विद्युत मोहन को दिया गया है बताना है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेरित है देखिए हिटलर एंड इंडिया वैभव पुरंदर सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन सैफी की दवाई एक्चुअली आई मेट देम अ अम्योअर ये जो है गुलजार के द्वारा लिखा गया तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये सारे सही मैच किए हुए हैं डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हैदराबाद में बताना है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरा मिनी फेडरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ एक कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा राजीव निगम को ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर एम एस एम आई मंत्रालय के द्वारा संभव शुरू किया गया है किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स नंबर हंड्रेड देख लेते हैं मध्य प्रदेश के ओकानशे ओकारेश्वर में स्थापित होने वाले स्टेचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य तो फ्रेंड्स अभी आपने हंड्रेड क्वेश्चन देखा जो कि आपके एडिटोरिया के करंट अफेयर्स वार्षिकांक दो हज़ार से लिया गया था आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा सड़सठवीं बी पी और बिहार एस SI के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा है एवीसी अकेडमी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स